फॉरेन वाले मामा जी। अंकुश, ये भूत नहीं है, मुझे तो ये कोई चोर लग रहा है। मैं इसे संभालता हूँ, तुम तब तक माँ पापा को लेकर आओ। ओके, देखना भागने ना पाए। सुबह सुबह चोरी करने आ गया, शर्म नहीं आती? अंकुश, ये चोर नहीं, तुम्हारे फॉरेन वाले मामा जी हैं। फॉरेन वाले मामा जी? हाँ, ये अब फॉरेन में रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, बहुत साल बाद आए हैं। और आते ही मेरा भूतों ने वेलकम किया है दीदी। भूत तो आप लग रहे हो, संजीवन भैया। संजीवन नहीं जीजा जी, आई एम सैम। ओके ओके, मिस्टर सैम। आई एम सॉरी मामा जी, मैंने पहली बार आपको देखा, ऊपर से आप मुंह पर मास्क लगाए थे, मैं तो डर गया। मेंशन नॉट, बट ये बोलो कि और दोस्त कौन था तुम्हारा साथ, जिसने हमको मार मार के गुब्बारा बना दिया? वो मेरा एक खास दोस्त है। है नहीं था, आज के बाद उस दोस्त को भूल जाओ। लेकिन वो तो बहुत डेंजरस है, हमको ऐसा दे दनादन पीटा कि हम उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। ओके मामा जी, अब से हम और आप दोस्त बन जाते हैं, आइए हाथ मिलाइए। No, पहले हाथ धोकर आओ। पर हाथ मिलाने के लिए हाथ धोने की क्या जरूरत? हम तुमसे हाथ मिलाएगा तो तुम्हारा हाथ का जर्म्स हमारा हाथ में आ जाएगा और हम बीमार हो जाएगा। ठीक है मामा जी, मैं हाथ धोकर आता हूँ। लीजिए मामा जी, मैंने हाथ धो लिए, अब तो हाथ मिलाइए। हाथ ठीक से धोया? हाँ मामा जी, एकदम अच्छे से, साबुन से हाथ धोए हैं। तो दोबारा धो कर आओ। क्यों? अभी तुम 100% सिक्योर है जर्म से। अब दोबारा हाथ धो लेगा तो 200% सिक्योर हो जाएगा। हमारा फॉरेन में भी ऐसा ही होता है। No, दीदी, पहले जर्म क्लीनर से टेबल को साफ करो, वरना उसमें जर्म होगा तो वो उठकर नाश्ता की प्लेट में आएगा और नाश्ता हम खाएगा तो हम बीमार हो जाएगा। मामा जी हाथ धुलवाते हैं, चार बार मम्मी पापा को पोछा लगाना पड़ता है, सुबह शाम घर की दीवारें धोई जाती है, दिन में चार चार बार माँ पापा को नहाना पड़ता है, आखिर ये कैसी सफाई है बजरंगी? ये सफाई नहीं अंकुश, मामा जी जानबूझकर सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं। जब भी कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। कल हम लोग पहाड़ी गुफाओं में पिकनिक के लिए चलेंगे, वहीं मामा जी की रिसर्च भी हो जाएगी और वहीं हमारी पिकनिक भी हो जाएगी। सैम भैया, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर गुफाओं में घूमते रहेंगे। हाँ मामा जी, जल्दी से खाना खा लेते हैं, जोर की भूख भी लगी है।
और अभी हमारे पास पानी भी है, तो दो बार हाथ भी धो सकते हो मिस्टर सैग, 200% जर्म फ्री होने के लिए। लेकिन इधर चेयर टेबल तो है ही नहीं जीजा जी, तो हम जमीन में बैठ के कैसे खाना खाएगा? माँ पापा, मैं चेयर टेबल का इंतजाम करके लाता हूँ। अरे सुनो तो अंकुश, चेयर टेबल लाओगे कहाँ से? जी पर गुस्सा आने लगा है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रहने दो अंकुश, उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे, बस कुछ दिन की बात और है। ये तो कमाल हो गया, ये कहाँ से लाए बेटा? माँ मेरा एक दोस्त है, यही रहता है, वो लकड़ी का काम जानता है, उसने फटाफट बना कर दे दी। इसका मतलब है कि दो चार लोग इधर भी इंटेलिजेंट रहता है। वेरी गुड वेरी गुड। बजरंगी एक और चेयर बना लेते हैं अपने लिए भी, अब तुम खाना खाते वक्त भी उड़ते रहोगे क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी चेयर तो मेरे साथ ही है। हाँ? 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 क्या मामा जी, ये जगह कैसी है ना गजब की सुंदर? हाँ 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 ठीक है, लेकिन हमारा फॉरेन में ऐसा बहुत सा जगह है जो इससे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो अब नेचर के भी चीजों की बेइज्जती करना शुरू कर दी मामा जी। रुको, अब तो आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है बजरंगी, अभी लो। हे डर्टी कीड़ा, क्या करता है? भाग जाओ, तुम्हारा ये हिम्मत कि हमको गंदा किया। मामा जी, बच गया। अंकुश बचाओ, पकड़ो मुझे प्लीज, कोई बचाओ मुझे, पकड़ो पकड़ो अंकुश, बचाओ बचाओ। मामा जी रुकिए, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं हाथ धोकर आता हूँ, दो बार साबुन से 200% जर्म फ्री। अरे क्या कह रहे हो अंकुश, ये वक्त हाथ धोने का नहीं, मुझे बचाने का है। अरे बाप, मामा जी का फॉरेन टोन कहाँ चला गया? एक ही झटके में सारा एक्शन गायब। नहीं नहीं मामा जी, मेरे हाथों के जर्म आपको लग जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ना बचाओ, ये वक्त मजाक का नहीं है बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं जानबूझ के अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऊपर खींचो। ये कैसे हुआ? मामा जी इसे पकड़िए। मामा जी जल्दी पकड़िए, टाइम कम है। अंकुश खींचो। मामा जी यही नहाना है या घर जाकर दो बार नहाकर जर्म फ्री होना है? 200%।
सॉरी अंकुश, सिर्फ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, बाकी सब ढोंग है, मुझे माफ कर दो। दीदी, जीजा जी, आप भी माफ कर दो, मैं जानबूझकर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए आप सबको परेशान कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलिए मामा जी, इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए।